गर्मी के मौसम में अचानक हो रही बरसात के कारण अब इलाके में डायरिया ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में ऐसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी का प्रकोप लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अपच के साथ साथ डायरिया की शिकायत बढ़ गई है। शहर हो या कस्बा या ग्रामीण इलाके, इनमें डायरिया तेजी के साथ फैल रहा है। विशेषकर बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। जिला क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया कि बदलते मौसम के मिजाज के कारण डायरिया के रोगियों पहले से ज्यादा अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डायरिया से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अस्पताल में सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि अभी ज्यादातर रोगी अलग अलग क्षेत्रों से अस्पताल आ रहे हैं, इसीलिए स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वास्थ्य अधिकारी ने सोलन की जनता को पानी को उबालकर पीने के साथ साफ सुथरा खाना खाने की सलाह दी है। कंपैरेटिवली ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा अब बरसातों में थोड़ा इंक्रीज थोड़ा हो जाता है डायरिया डायसेंट्री के केसेस का, तो पर अभी इतना नहीं है कि मतलब कोई हमारे पास अलार्मिंग सिचुएशन जैसे कोई बात नहीं है। तो इसके बचाव के लिए तो हमारे पास यहाँ पे ड्रग्स सारी अवेलेबल हैं, ORS अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को जरूरत पड़े तो IV फ्लूइड्स अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। बाकी थोड़ा हमारी IEC एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम अपने वर्कर्स और सुपरवाइजर के माध्यम से करते रहते हैं कि इस दौरान में थोड़ा बाहर के खाने पीने का लोग अवॉइड करें, पानी हो सके तो बॉयल पिएं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी चली रहती हैं।